एक ऐसा पक्षी जो अपने घोंसले में जुगनू लगा के रखता है। एक ऐसा प्राणी जिसके एक नहीं तीन दिल हैं। हमारे शरीर में पैदा होने से पहले कितनी हड्डियां होती हैं? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ब्लू व्हेल को तो आपने देखा होगा, ब्लू व्हेल जब सांस लेती है तो वो 2000 गुब्बारों के बराबर वो अपने अंदर हवा को खींच लेती है, और जब सांस छोड़ती है तब भी 2000 गुब्बारों के बराबर हवा को छोड़ती है। यानी कि उसकी सांस लेने और खींचने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो इतनी हवा कंज्यूम अपने अंदर करती है कि उतनी हवा से 20,000 गुब्बारे फुलाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हेडफोन लगाकर गाना सुनना, मूवी देखना आजकल तो बहुत ही आम बात हो गई है। अक्सरियत में लोग दिन भर हेडफोन लगा के रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 घंटा लगातार हेडफोन लगाने से आपके कान में 700 गुना जीवाणु बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस दुनिया में हर प्राणी के पास एक दिल होता है, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जिसके पास 3 दिल होते हैं, और वो प्राणी पानी में रहने वाला एक ऑक्टोपस है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में पैदा होने के बाद 300 हड्डियां होती हैं। उसके बाद जितनी तरह से वो बढ़ता जाता है, यानी कि एक एडल्ट होने के बाद उसके शरीर में 206 हड्डियां ही बची हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सारी हड्डियां एक दूसरे में जुड़कर 206 हो जाती हैं, ना कि खत्म नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों फिलीपींस में बोया नाम का एक पक्षी है जिसको उजाला इतना पसंद है कि वो रात को अंधेरा ना हो इसके लिए उसने अपने घोंसले में बहुत सारे जुगनों को बैठा के रखता है। यानी कि वो पकड़ के लाता है और अपने घोंसले में उसको इस तरह से भूत के फंसा देता है जैसे कि कोई बल्ब लगा हो ढेर सारा, और उसको उजाला बहुत पसंद होने की वजह से वो बहुत सारे जुगनों को उसमें इस तरह से अड़का के रखता है ताकि उसके घोंसले में या उसकी तरफ कोई अंधेरा ना हो। तो अच्छा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस पर भी क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।